तैयार है इजी चाय। तैयार। कैरेट केक तैयार। तैयार। और सेरेमोनियल रेड कार्पेट तैयार। दोस्ती मोश हार्वेस्ट म्यूजिक तैयार। और स्पार्की जब मॉम आएगी तब तुम ये बजाकर उनका स्वागत करना। बस एक बार चेक कर लो कि सब कुछ परफेक्ट हो, पर हमें इसे इससे भी ज्यादा परफेक्ट बनाना है। ठीक है, बढ़िया। तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? बस क्वीन हेवन ही तो है, वो यहाँ कई बार आ चुकी है। हार्वेस्टर हग डे को जिपर हाइट्स में बड़ा दिन माना जाता है, खासकर मॉम के लिए। कैरेट केक किसे चाहिए? तो इसे पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए, समझ गई? मत करो, कम से कम हमारे पास ये चाय। खैर, कम से कम क्वीन हेवन तो अब तक नहीं आई है, हमारे पास अभी वक्त। तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब हमारे पास अभी भी टाइम है। अब क्या करें? पिप, पिप, तुम सांस लो, हम संभाल लेंगे। तुम और जिप जाकर दरवाजा खोलो, बाकी का हम संभाल लेंगे। कोई बात नहीं, वैसे अक्सर केक में आग लग जाती है ना? ऐसे वीडियोस तो हमेशा ट्रेंडिंग होते हैं। क्या मेरे बाल से चले हुए कैरेट की बदबू आ रही है? Darlings, happy harvest and hugs day! स्वागत है हिन केविन, मेरा मतलब क्वीन है मॉम। आज मौसम कितना सुहाना है। क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? क्या ये ट्रिप ट्रॉट पर जाने वाला है? यहाँ से आइए। वाओ, कितना अनोखा कारपेट है। महारानी जी का स्वागत है। थैंक यू। अब आपके सामने आने वाली है एक शानदार हार्वेस्ट एंड हग स्पेशल चाय, जिसे अभी अभी टी मास्टर इसी ने बनाया है। क्या तुम्हारे पास एल्जरबेरी बुशल ब्लास्ट है? मुजफ्फर हाइट्स की क्लासिक है। आपके यहाँ आने से पहले हमने उसे आग में नहीं जलाया है। एल्डरबेरी बुशल ब्लास्ट अभी लाई। थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा केला, थोड़ा सा पाइन कॉर्न, काम बन जाएगा। क्या वो कोई नई रेसिपी है? नहीं, कोई रेसिपी नहीं है, इसे तो सदियों से इसी तरह से बनाते आ रहे हैं। आपको ये ऐसी पसंद है ना? कैरेट केक 2.0 ओवन में जाने के लिए तैयार है। ये तो टूटा हुआ है। दोस्तों, हम एक ओवन के बिना केक को कैसे बनाएंगे? एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे पास एक बेकी बू ओवन है? मैं हार्वेस्ट और हग डे पे फेरी केक बनाया करती थी, ठीक है? तो मैं बच्ची थी और मुझे इसकी शर्मिंदगी है। तुम कितनी स्वीट हो। ठीक है, चलो केक बनाते हैं। कैरेट केक की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जिप ने मुझे फैमिली रेसिपी सिखाई थी, तो ये होगा बहुत ही डिलीशियस। बच्ची शांत हो जाओ, तुमने कुछ भी बर्बाद नहीं किया है। आप एक कैरेट केक को अपने चेहरे पर मास्क जैसे लगाए हुए हो, तो इसका वही मतलब हुआ ना? तुम्हें लगता है मुझे सिर्फ एक केक की वजह से हार्वेस्ट और हग्स डे पसंद है? शायद। खैर, वो डिलीशियस होता है, पर नहीं। देखो, जब मैं एक छोटी पोनी थी तब हार्वेस्ट एंड एग्स डे उन चंद दिनों में से एक दिन था जब पूरी फैमिली एक साथ आया करती थी। इस वजह से मुझे ये इतना पसंद है, क्योंकि तब हम एक साथ होते हैं, तब हम मड पाई खा सकते हैं, और हाँ, वार्म स्टू भी तो होता है। वो मैं आसानी से कर सकती हूँ। कम ऑन पोनीज, चलो जो खाना हमें मिले उसे लेते हैं, उसे टेबल पर रखते हैं और एक साथ कुछ अनमोल यादें बनाते हैं। स्पार्की, क्या तुम इसे बजाकर दावत की शुरुआत करोगे? नहीं, नहीं, नहीं।